कल धर्मशाला आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। भारत न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट मैच देखेंगे जेपी नड्डा। शाम को अपने बिलासपुर में अपने गांव विजयपुर जेपी नड्डा जाएंगे। कल धर्मशाला में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मैच होने वाला है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पहुंचेंगे। कल धर्मशाला आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। भारत न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट मैच जेपी नड्डा देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के चलते 3,500 घर क्षतिग्रस्त हुए और कांग्रेस सरकार ने आपदा में लगातार काम किया, लेकिन आपदा के समय में बीजेपी ने काम करना तो दूर बल्कि वे राजनीति करके अपनी रोटियां सेकते रहे। ढालपुर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अब जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 3 बार केंद्रीय टीम प्रदेश का दौरा कर वापस लौट आई, लेकिन राहत के नाम पर केंद्र सरकार की ओर से आज तक कोई पैकेज नहीं मिल पाया है। ऐसे में भगवान भी बीजेपी नेताओं को माफ नहीं करेगा। 3,500 घर जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और 13,000 घर जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, हजारों बीघे फसल जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है, आज से हमने आम आदमी राहत योजना वितरण योजना का शुभारंभ किया है। इसका नाम है आम आदमी राहत वितरण योजना। आपदा में जो प्रभावित परिवार थे उन परिवारों को 3 महीने के भीतर सरकार ने अपनी दृढ़ निश्चयता का परिचय दिया है और हमने आज पहले किस्त के रूप में 3 लाख रुपया जिनके घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे उनको हमने आज एक क्लिक के द्वारा RTGS के द्वारा उनके खातों में डाल दिए हैं। अब मंडी में इस योजना का शुभारंभ होगा, फिर बिलासपुर में इस योजना का शुभारंभ होगा, कांगड़ा में होगा, शिमला में होगा, सभी जिलों में इस योजना का शुभारंभ होगा। शुभारंभ तो हो चुका है लेकिन सभी जिलों में इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे